अस्सलामु अलैकुम व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मायरी। मायरी के आने वाले एपिसोड में देखेंगे सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, और एनी फाकर की माँ कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप परमिशन दे दे फाकर को भी, और वो भी आगे पढ़ना चाहता है। लेकिन फाकर की माँ फाकर कहते हैं, फाकर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आगे पढ़ना चाहते हो। फाकर की माँ फाकर कहते हैं, अगर तुम आगे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, मगर मेरी एक बात जहन में रखना, ऑफिस भी तुमने संभालना होगा। एनी जैसे घर भी और कॉलेज भी संभालती है, अपनी बेटी को भी संभालती है, इस तरह तुम्हें भी अपने सारे काम वक्त पर सारे अंजाम देने होगा। फाकर अपनी माँ कहता, ठीक है माँ, जैसा आप बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, अगर फाकर को अपने जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है। और आयशा भी कहते हैं, ठीक है भाभी, मैं भी यही सोच रही थी कि फाकर को भी आगे पाई लेना चाहिए, क्योंकि एनी आगे पा रही होता है, फाकर भी आगे पाई रही। लेकिन उसकी माँ कहती है, नहीं, मेरे अभी बात यह है कि मैं फाकर को अभी आगे ना पढ़वाऊँ, क्योंकि अगर वो ऑफिस नहीं जाएगा तो काम वो कैसे करेगा। आपको भी पता है कि ऑफिस में कितना काम काज होता है, हम दोनों माँ बेटा नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा ऑफिस। आशा कहती है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हबीब को बोल चुकी हूँ कि आज के बाद आप ऑफिस के सारे जिम्मेदारी आपके जुम्मे हो जाएगी, मतलब कि वो जो आप बोलेंगे वही करेगा। ये देखकर फाकर और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है आयशा, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही हो।